हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल फिल्मी चैटर्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हॉलीवुड की 2017 में आई शेप ऑफ वाटर मूवी के फिल्मी रिव्यू के बारे में। हॉलीवुड नाम सुनते ही आपके दिमाग में आया होगा कि एक्शन, एलियन, मॉन्स्टर जो कैसे तबाही मचा देते हैं, तो आप सही सोच रहे हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब द चैनल। तो कहानी शुरू होती है एलिजा नाम के लेडी से जो बोल नहीं सकती और उसकी लाइफ हमारे जैसी ही है, नॉर्मल। सुबह उठना, नहाना, काम पर जाना, फिर घर आके आना और सो जाना। नो इंटरेस्टिंग इन लाइफ। एलिजा एक बहुत बड़े लेबोरेटरी में साफ सफाई का काम करती रहती है जहां बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं। फिर एक दिन स्ट्रिकलैंड नाम का ऑफिसर पानी में रहने वाले एम्फिबियन मैन जो समुन्दर का राजा होता है उसे लेके आता है। फिर एक दिन उस एम्फिबियन मैन पर जांच चालू होते समय उस स्ट्रिकलैंड ऑफिसर पर वो हमला कर देता है और उसकी हाथ के दो उंगलियां तोड़ देता है। फिर एक दिन एलिजा उस एम्फिबियन मैन को एक बॉइल्ड एग खिलाती है और उन दोनों में बिना कुछ बातचीत के दोस्ती हो जाती है। फिर ये सिलसिला रोज चालू रहता हो जाता है। फिर उससे पता चलता है कि वो लोग उस एम्फिबियन मैन को मारने वाले हैं। फिर एलिजा किस तरह एक नौकर होकर भी उसे बचाने में जुट जाती है और वो उसे अपने घर कैसे तैसे घर चुरा कर लाती है। लेबोरेटरी सब स्टोरी इसी पर ही है, कैसे एलिजा उस एम्फिबियन मैन को उस स्ट्रिकलैंड ऑफिसर से बचाने की कोशिश करती है। इस सभी में उसका साथ देते हैं उसकी बेस्ट फ्रेंड और एक बूढ़ा आदमी जो उसका नेबर होता है। द शेप ऑफ वाटर ये मूवी रोमांस फैंटेसी मूवी है जिसके लीड रोल में है सैली हॉकिंस एज एलिजा, माइकल शैनन एज द स्ट्रिकलैंड ऑफिसर एंड डॉग जॉन्स एज द एम्फिबियन मैन। द शेप ऑफ वाटर मूवी को IMDb पर 10 में से 7.3 की रेटिंग मिली है। तो हमें कमेंट में बताएं ये मूवी आप देखेंगे या नहीं देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज अपडेट।